ठीक है चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना। इस वीडियो को ऐसा मत करना मैंने वीडियो बना दी और बस तुमने इसे देखा और फिर देखा ही नहीं। हाँ भाई वीडियो है बस देखा नहीं। इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपको क्वेश्चन सिखाएगी कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन के छोटे छोटे टॉपिक्स है ना मैं वो यहाँ पे लिखता रहूंगा, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है क्वेश्चन के, और फिर आपको कराऊंगा। ठीक मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया था कि आप क्या करें, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, लाइन वाइज सॉल्व करें। तो लाइन वाइज सॉल्व करने सबसे इजी टेक्निक है। तो देखो क्वेश्चन में जो सबसे पहला कंटेंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक सेकंड। हाँ सबसे पहला आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। देखना फर्क आ रहा है क्या वीडियो में, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। तो शेयर कैपिटल में आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखा है 21 और 22। इस क्वेश्चन में एक तो ईयर दिया हुआ है आपको 21 और एक ईयर दिया हुआ है 2022, 2021 और 2022। इसमें अमाउंट आपको अवेलेबल है 2 लाख, 2 लाख और यहां पर है 3 लाख। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल आप देखेंगे 21 में 2 लाख है और 22 में शेयर कैपिटल बढ़कर हो जाती है 3 लाख। तो मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हमारी जाती हैं किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों चीज हमारी कहाँ जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाती है। ठीक है तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में रखा है कि भाई 2021 में 2 लाख था और फिर वो बढ़कर कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो देखो इसे फाइनेंस एक्टिविटी में कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं तीनों एक्टिविटी को अलग अलग जगह पे दिखाऊंगा। देखना बेटा ये लाइन आ रही है कहीं, समय यहां तक आ रही है पूरी कवर। इस वाले पार्ट में हम कर लेंगे कैश फ्लो का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे हम निकलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इसी में बिलो साइड में हमारी दो एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है इजीली। तो यहां पर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे और यहां से हम कर लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। भैया ने आपको बताया था कि इसमें दो एक्टिविटी शामिल होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो दो एक्टिविटी कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स। बेटा फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आप समझ जाएंगे। तो इसमें दो एक्टिविटी आती है, एक आती है भारत इसमें फिक्स एसेट्स और एक इसमें आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किसके अंदर आती है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है चलो ये दोनों पार्ट के अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर ये उसके तुरंत बाद नीचे की तरफ क्या लिखना होता है, मैं फाइनेंसिंग। पर मेरे पास में स्पेस कम है इसलिए मैं इसे लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। ठीक है चलो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो एक लाइन बना देता हूं यहां से कि दोनों इसका नीचे का पार्ट में करने वाला हूं। और यहां पर आपकी आ जाएंगी कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कवर हो रहा है बरत? तो देखो पहली एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग है, दूसरी ये है, तीसरी में हम दो चीजें ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बता रखा है, एक तो आता है शेयर कैपिटल इसके अंदर, और प्लस इसमें आती है आपकी लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग। लोन भी कह सकते हैं और आप इन्हें बोरोइंग भी कह सकते हैं। तो भैया ने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में तीन चीज बताई है, कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये और ये। तो भैया ने आपको बताया कि यहां पर मैं देखा था, मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपने देखा क्वेश्चन में दिया हुआ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2021 का दिया हुआ था और 2022 का। तो 2021 में आपका ये 2,00,000 है और 2022 में हो जाता है 3,00,000। तो आप देखेंगे शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, 2,00,000 से 3,00,000 हो रहा है, 1,00,000 से बढ़ गया। इसका मतलब अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो ये कंफर्म बात है कि हमने जरूर शेयर इशू करे होंगे और शेयर इशू करने से हमारा पैसा आया होगा। तो इसे हमें कहां लिखना चाहिए, ये देखिए मैंने आपको पहचान बताई थी, शेयर कैपिटल का रिलेशन किससे होगा, इसी से होगा, इसी में शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इशू ऑफ शेयर्स 1,00,000। चलो आगे देखते हैं, मैं इसे बेटा रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें कंटेंट मिला वो मिला हमें शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के तुरंत बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें क्या देखना चाहिए, क्या कोई नोट नंबर तो नहीं है। बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें भी आपको 2021 की अमाउंट अवेलेबल है और 2022 की अमाउंट अवेलेबल है। ये पहले थी 30,000 21 में और अब दिया हुआ है 80,000। तो भैया ने आपको बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जब ये दिया हुआ होता है तो हमें देखना होता है क्या कोई नोट नंबर तो नहीं है। अगर नोट नंबर नहीं है तो आपको सिंपली इसको यूज करना है बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि हमारा ये 21 में 30,000 है और 22 में कितना हो जाता है 80,000। तो भैया ने आपको बताया था कि रिजर्व सरप्लस का करेक्शन किसके साथ में होता है, एनपी बीटी के साथ में इसका करेक्शन होता है। तो देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो आप देखेंगे एनपी बीटी का हमें पहला आइटम मिल चुका है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट 80,000 है और प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट 30,000 है, इन्हें इनका डिफरेंस तुम्हारा आता है 50,000। तो हमें एनपीबीटी का पहला आइटम मिल चुका है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो एनपीबीटी में पहला आइटम क्या हो गया, 80,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 50,000। चलो देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। बेटा पहले आपका शेयर कैपिटल था क्वेश्चन में, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, हमने दोनों को ही सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दी हुई है नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बता रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप देखेंगे इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग में बता रखा है नोट नंबर है अवेलेबल। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी नोट नंबर दिखाई देगा तो हम नोट नंबर में जाते हैं। तो मैं आपको बैलेंस शीट का नहीं दिखा रहा पार्ट, मैं डायरेक्ट आपको क्या दिखा रहा हूँ, नोट नंबर, क्योंकि भैया हमारे लिए जरूरी होता है, उसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं नोट नंबर, आपको नोट नंबर में दिया हुआ है लिखकर इस तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको बता रखा है 15% लोन, इस तरह से 15% लोन और 21 में बता रखा है 2021 और 2022, 2021 में था ये 75,000 और 2022 में ये कुछ भी नहीं रहा,
कॉमन सी बात है कि अगर कोई लोन 2021 में 75,000 का हमारे ऊपर लोन था, 2021 में हमारे पास कितने का लोन चढ़ा हुआ था हमारे ऊपर 75,000 का, और 2022 में वो जीरो हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? पेमेंट करने के बाद अगर हमने लोन पे करा होगा जब तो हमारा लोन जीरो हो गया, 21 में अगर हमारे ऊपर 75,000 का लोन है और 2022 में वो जीरो हो जाता है तो कैसे होगा? पेमेंट कर दो। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? हमने जरूर लोन पे करा है। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन कहां पर आते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। आप लोन पे कर रहे हो तो सिंपली आपने लोन पे कर दिया, आप यहां लिख दोगे रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने लोन कितना पे कर दिया? 75,000। तो ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग को आपको एडजस्ट करना है, ठीक है? चलो इसके बाद में बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद में हमारे सामने आ रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगला टॉपिक। बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग के आगे बच्चों दिया हुआ है नोट नंबर, नोट नंबर दिया हुआ है नोट नंबर 2। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नोट नंबर 2 के अंदर। तो देखिए नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है, भारत समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में हमारा लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको बता रखा है कि 2021 में क्या था और 2022 में क्या था। ये 2021 में था 37,000 और 2022 में हो गया 25,000। अब मेरे जो आलसी बच्चे हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट को एकदम नई चीज समझेंगे। मेरे जितने भी आलसी बच्चे हैं वो कहेंगे भैया पहली बार देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन मैंने आपको जब नोट्स पढ़ाए थे तो नोट्स में साफ साफ बताया था इसका स्पेशल ट्रीटमेंट कि बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा आप ट्रीटेड एज आप ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म लोन। आपको जब भी दिखाई देगा क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको तुरंत माइंड में याद करना है ये है लॉन्ग टर्म लोन। मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में दिया हुआ है लेकिन मैंने एजम्पशन लिखवा रखा है कि आपसे क्या मानेंगे लॉन्ग टर्म लोन। तो जो लॉन्ग टर्म लोन का आप करते हैं वही सेम प्रोसेस आप करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है? क्या हो रहा है भाई, ये 2021 में 37,000 था और 2022 में ये 37 से 25 हो गया। इसका मतलब क्या है? हमने जरूर लोन पे कर दिया है, हमने जरूर लोन पे कर दिया है क्योंकि 37 से 25 रह गया। कितना लोन पे कर दिया है? डिफरेंस आएगा इसका 12,000। इसका मतलब हमने 12,000 लोन पे कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे कर दिया तो दिखाना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही बातें। चलिए देखो आगे क्या है। शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद में जो इसमें नेक्स्ट कंटेंट अवेलेबल है वो है ट्रेड पेबल। देखो कैसे दिया हुआ है, ट्रेड पेबल के आगे कोई भी नोट नंबर अवेलेबल नहीं है। और भैया ने आपको बताया था कि जब भी नोट नंबर ना हो तो आपको सिंपली उसे सॉल्व करना है। तो ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ट्रेड पेबल 96,000 थे और फिर वो हो जाते हैं 1,50,000। 2021 में इतना है और 2022 में वो इतना हो चुका है। क्या ये बच्चों आपके जो ट्रेड पेबल है वो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं? आप देखेंगे कि आपके ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप बताइए कितने इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों? 54। ये आपका 54,000 से इंक्रीज हो रहा है। और मैंने आपको स्पेशली बताया था आपके जब मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया था कि जितनी भी करंट लायबिलिटी है जब वो बढ़ेंगी तो आपको प्लस करनी है और जब भी करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो आपको माइनस करनी है। और करंट एसेट जो है आपकी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं माइनस, और करंट एसेट जब घटती है तो प्लस करते हैं।
अभी ये क्या कंटेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेड पेबल आपकी होती है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस ही होती है, तो आप इसे इतना स्पेस छोड़कर यहां पर कर दें, ट्रेड पेबल आपके 54,000 से प्लस हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मेरा ये मानना है कि एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, एक टीचर का काम अपने बच्चों को गाइड करना भी होता है। ये तो जो हम पद्धति पढ़ते हैं आज, वो पद्धति हमारी 99% किससे बिलोंग करती है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से। लेकिन जो हमारा अपनी हमारी पद्धति थी, पद्धति है, उसमें आप देखेंगे हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो गुरु थे, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो हमें अच्छी शिक्षा दे देते। आपने देखा होगा टीचर्स के पास में काफी सारे पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे बच्चे जो हैं पढ़ते वढ़ते हैं नहीं, और आपने बोलने की तमीज नहीं है, वो टीचर से कहते हैं। और बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि बताओ हम पढ़ाने का ठेका उठाएंगे या फिर बच्चों को हर बात का ठेका हमने उठा रखा है। मैं ऐसे टीचर्स को कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत बात है कि आप पेरेंट्स से ऐसा कहते हैं। देखिए, हमारी जो अपनी पद्धति है, पढ़ाने की तरीका है, वो तरीका हिंदू धर्म का तरीका अलग है पढ़ाने का। हमारा काम होता है एक बच्चे को पढ़ाना, काम नहीं है हमारा उसे एक अच्छा इंसान बनाना, हमारा काम है हमें उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब करना है बच्चे को, तो सिर्फ उसे अच्छी एजुकेशन नहीं देनी है, उसे आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या है, बोर कर दिया थोड़ा मैंने। तो देखो इसमें आगे क्या है, ट्रेड पेबल तो हमने क्लियर कर लिया कि किस तरह से इसको नोट डाउन करना है। तो बच्चों, ट्रेड पेबल के तुरंत बाद दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं दिखाता हूं कैसे दिया हुआ है आपको। इस तरह से थर्ड नंबर दिया हुआ है, ये नोट नंबर नहीं है, ये तो करंट लायबिलिटी का नंबर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज इस तरह से लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर हमें दिया हुआ है सी पॉइंट पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा एक बात ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दिया हुआ है, और इसके सामने मैं यहां जगह नहीं लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिखा हुआ है। वीडियो शूट तो हो रही है, कभी मुझे पता लग रहा हो रही। तो देखो, इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नीचे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये ना भी दे रखा हो बच्चों, तो 99% ये प्रोविजन फॉर टैक्स ही होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें आपको दोनों दे रखी है, 2021 की अमाउंट दे रखी है और 2022 की अमाउंट दे रखी है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको बता रखा है कि 21 में था 12,000, और अब ये हो गया है 15,000। तो भैया ने आपको साफ साफ सिखाया था प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चों अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा हो टैक्स पेड किया है या टैक्स मेड किया है, तो उस केस में जो भाई टेक्निक होती है, तकनीक होती है, वो अलग होती है करने की। पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमें सिंपली इसे यूज करना है। तो भैया ने आपको बताया था कि जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, इसे आप क्या करेंगे, एनपीबीटी में प्लस करेंगे, मैंने सिखाया था। और जो आपका प्रीवियस ईयर का होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो बच्चों, ये चल रही हमारी कैलकुलेशन, एनपीबीटी की कैलकुलेशन, इसमें ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको पढ़ाया था भैया ने टप्पी, अगर आपको याद हो टप्पी में मैंने क्या पढ़ाया था, टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व। मैं चलो यार समझा देता हूँ टप्पी क्या होता है, जो टप मारते रहते हैं। तो देखो, एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, और एक होता है आपका प्रपोज डिविडेंड, एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। तो आपका ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स समझ लो, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये चारों होते हैं। हमें इसमें से एक आइटम मिल चुका है, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने क्या बताया,
कि जो आपका करंट ईयर का है वो तो प्लस हो जाएगा आपका एनपीबीटी में, यहां कर दो इसे प्लस, प्रोविडेंट फॉर टैक्स, प्रोविडेंट फॉर टैक्स 15,000 यहां प्लस कर दीजिए, और जो आपका ये प्रीवियस ईयर का है ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे एंड में आपको टैक्स पेड के नाम से माइनस करने हैं 12,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था प्रोविजन फॉर टैक्स का मैटर। चलो आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो यही समझा रहा हूँ बेटा। देखो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जो मैं आपको प्रॉपर जो है मतलब बता सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आए, इसलिए मैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ किस तरह से उनको ट्रीट करना है। ठीक है, चलो तो बैलेंस शीट में हमने क्या क्या क्लियर कर लिया है, बैलेंस शीट में क्लियर कर लिया शेयर कैपिटल को क्या करना है, रिजर्व सरप्लस का क्या करना चाहिए, अभी रिजर्व सरप्लस रहना है पूरा करना, लॉन्ग टर्म बोरिंग कंप्लीट हो चुकी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो चुकी है, ट्रेड पेबल भी हो चुका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी नेचर आपको कंप्लीट करके दे दिया भैया ने, ये देखिए यहाँ पर। और अब हम चलते हैं आगे, अब हमारा स्टार्ट होता है फिक्स एसेट्स का कंटेंट। तो बच्चों फिक्स एसेट्स में आपको दिया हुआ है नोट नंबर, फिक्स एसेट्स में आपको बता रखा है नोट नंबर 3। अब मैं आपको लेकर चलता हूं नोट नंबर 3 में कि नोट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए नोट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आपको प्लांट और मशीनरी लिख के दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है लेस करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे होनहार बच्चे समझदार बच्चे तुरंत समझ जाएंगे कि जब भी दो बैलेंस रखे होते हैं प्लांट मशीनरी का बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, तो तुरंत हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, मैंने बताया था। तो नोट नंबर में आपको दो चीज दी हुई है, इनके बैलेंस में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे दिए हुए हैं 2021 का और 2022 का। तो देखिए 3.5 लाख यहां बता रखा है, 3.5 लाख और यहां दिया हुआ है 4 लाख, 50,000 और दिया हुआ है 60,000 इस तरह से। तो 50,000 भी दिया हुआ है और 60,000 भी आपको अवेलेबल है, ये क्वेश्चन में आपके नोट नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे क्रिएट करें देखते हैं, कैसे क्रिएट करना है बेटा। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। भरत यहाँ का एरिया दिख रहा है क्या? थोड़ा दिख रहा है, बताना यहाँ तक दिख रहा है, मेरा हाथ आ रहा है? हाँ। अब मतलब इतना एरिया शो हो रहा है, लाइन दिख रही है? अब देखो ये वाली लाइन दिख रही है। चलो तो मेरे पास इतना एरिया अवेलेबल है यूज करने के लिए। ठीक है, अवेलेबल इतना एरिया यूज करने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस और इक्विपमेंट एप का बैलेंस। मैं दिखाता हूं कि इसमें और क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है इसके अलावा। इसके अलावा बच्चों इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन इतना बिजी हो गया तो बस कुछ नहीं करना हमें। हमें जब इस एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हो गया। बस आपको ये देखना है कि प्लांट मशीनरी आपकी बढ़ रही है या घट रही है। तो देखिए आपकी प्लांट एंड मशीनरी 2021 में 3.5 लाख थी और अब हो चुकी है 4 लाख। तो बताइए आपके प्लांट बढ़े हैं या घटे हैं? 21 में 3.5 लाख थे और 2022 में 4 लाख हो चुके हैं, इसका मतलब आपके प्लांट बढ़ चुके हैं। और बढ़ने का सीधा सा रीजन होता है कि हमने परचेज करें, हमने प्लांट परचेज करें। और मैंने आपको बताया प्लांट क्या है, प्लांट है एक फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स को कहां जाना चाहिए बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग में? यहां साफ साफ लिखा हुआ है मैंने कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स आती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, तो ये यहीं पर आएगा। तो यहां पे आपको लिख देना है परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
तो हमारा कितना बढ़ गया प्लांट मशीनरी, 3.5 लाख से 4 लाख हो गया है, तो 50,000 हमारा बढ़ गया भैया। जब आप खरीदेंगे तो आपका पैसा जाएगा, इसलिए माइनस होता है। जब हम परचेज करते हैं प्लांट तो माइनस करना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर दिया गया है। 2021 में मशीनों पे डैप लगा था 50,000 और वही डैप अब कितना हो चुका है 60,000। इसका मतलब 10,000 डैप और चार्ज कर दिया गया है। जो ये 10,000 का डैप चार्ज किया गया है, इसे हमें कहाँ शो करना चाहिए? मैंने आपको लिखवाया था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और भैया ने बताया था कि जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश लॉस है, इसमें आपके कैश का लॉस नहीं हो रहा है, आपका कैश नहीं घट रहा है, लेकिन लॉस तो हो रहा है भाई, मशीनरी पे लॉस तो हो रहा है। तो मैंने बताया था कि इस तरह का लॉस कहाँ दिखाना है आपको, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। आपको कितने कितना डैप लग रहा है 10,000, तो आपको यहाँ पे दिखाना है डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है 10,000। और मैंने बताया था जितने भी लॉस और एक्सपेंस है वो प्लस होते हैं और जो इनकम होती है वो माइनस होती है, मैंने आपको बताया था। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा इसके बाद में आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है आपको प्रपोज्ड डिविडेंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ है 2021 का और 22 का। 2021 में 20,000 था और 2022 में 30,000 हो गया। अगर आपको याद हो तो भैया ने प्रपोज डिविडेंड के लिए भी बकायदा एक नोट बनवाया था जिसमें स्पेशली समझाया था कि प्रपोज डिविडेंड का क्या किया जाता है। भरत आप बताइए क्या किया जाता है बेटा? इसका कोई यूज नहीं किया जाता, और प्रीवियस ईयर को एनपीबीटी में प्लस किया जाता है। और एक जगह और आता है, याद करिए, ये आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड जो हमारा करंट ईयर का है इसे तो हम कर देंगे इग्नोर, इसे हम कर देंगे इग्नोर करंट ईयर को, और इसे हम क्या करेंगे यहां पर ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड 30,000। इस तरह से आपका फाइनली निकल कर आ चुका है एनपीबीटी, आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है एनपीबीटी की। तो आपका एनपीबीटी कितना कैलकुलेट हो रहा है बच्चों, 95,000। तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एनपीबीटी को 95,000। तो एनपीबीटी की कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, प्रपोज डिविडेंड भी आपको क्लियर हो चुका है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रपोज डिविडेंड यहां पर भी आएगा और इसे एक जगह और पहुंचना है, जो हमारा करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इसे एक बार तो होना है प्लस एनपीबीटी में, और एक बार होना है इसे माइनस डिविडेंड पेड नाम से। कितनी अमाउंट थी बच्चों? 20,000। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, मैं ये सोच रहा हूं कि जितनी मेहनत में कर रहा हूँ आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ आइटम अगर बचा हुआ है तो उसे भी देख लेते हैं। तो हमने सब कुछ कर लिया है, थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी तो देखनी होंगी, एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। 95,000 अवेलेबल है, 10,000 भी है, 54 भी है, 12,000 भी है। अच्छा, क्वेश्चन में अभी एक पार्ट हमारा रह चुका है, फिक्स एसेट्स तक हमने कर लिया बैलेंस शीट में से। फिक्स एसेट्स के बाद में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए, करंट एसेट्स में आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट में अवेलेबल है बच्चों। तो बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स में दो चीजें दी हुई है, एक तो दे रखे हैं आपको ट्रेड रिसीवेबल,
ट्रेड रिसीवेबल और आपको दिए हुए हैं इन्वेंटरी। ट्रेड रिसीवेबल में आपको बता रखा है कि स्टार्टिंग में थे ये 65,000 और फिर हो जाते हैं 97,000 ट्रेड रिसीवेबल, और इन्वेंटरी आपकी जो है 60,000 थी और बाद में हो जाती है 90,000। बेटा ट्रेड रिसीवर और इन्वेंटरी ये दोनों ही आपके होते हैं करंट एसेट्स, और भैया ने बताया था करंट एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो प्लस होगी और घटेंगी तो सॉरी हाँ बढ़ेंगी तो माइनस होगी, घटेंगी तो प्लस होगी। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल आपके 65,000 से 95,000 हुए, ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। मैंने बताया था जब करंट एसेट बढ़ती है तो बढ़ने पर क्या करना है माइनस करना है। अच्छा कितनी इंक्रीज हो रही है आपके लिए 32,000। तो आपको ट्रेड रिसीवेबल यहां पर क्या करना होगा, आपको ट्रेड रिसीवेबल यहां पर 32,000 से बढ़ रहे हैं तो क्या करना होगा माइनस। इन्वेंटरी भी आपकी बढ़ रही है, इन्वेंटरी आपकी 60,000 से कितनी हो रही है 90,000। इन्वेंटरी को स्टॉक भी कहते हैं बच्चों, इन्वेंटरी आपकी 30,000 से बढ़ रही है, इसे भी क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक है देखते हैं अब कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 95,000 भी हो गया है और अमाउंट 10,000 भी आ चुकी है, 54,000 भी हो चुका है, 30,000 अवेलेबल है, 32,000 अवेलेबल है, 12,000 अवेलेबल है। तो बेटा देखिए आप जब इसका टोटल निकालेंगे तो आएगी हमारा आंसर क्या आएगा, ए निकल कर आएगा यहाँ से, क्या निकल कर आएगा ए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 75,000। और उसके बाद में जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का टोटल करेंगे एक ही आइटम है तो यहां से जो निकल कर आएगा आएगा बी आइटम, वो आएगा नेगेटिव, आपको 54,000 नेगेटिव आएगा। बी आइटम भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना सी आइटम, तो आपका सी आइटम क्या आने वाला है एक बार मैच कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, 1,00,000 भी अवेलेबल है, 75 भी है, 12 भी है और 20 भी है। तो यहां से आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा 7,000 नेगेटिव, तो हमारे दो बैलेंस नेगेटिव आने वाले हैं सी और बी, एक हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों अब हम क्वेश्चन के एंड पे आ रहे हैं। भैया ने आपको सिखाया था, भैया ने आपको सिखाया था आपको ए बी और सी को टोटल करना है, ए और बी सी को टोटल करना है। ए हमारा है 75,000, बी हमारा निकल कर आया नेगेटिव 50,000, सी आपका है नेगेटिव 7,000। आप याद करना है आपको मैंने बताया था कि ए बी सी में और क्या प्लस करना है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ओपनिंग कैश वो आपको प्लस करना है, आपको अगर ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो वो प्लस करनी है, कोई चेक दिया हुआ है चेक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसे ऐड करना है, बैंक ड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो उसे ऐड करना है, और उसके अलावा विशेष जो आपके एग्जाम में पूछे जब डाल दिया जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होता है, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। चलो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है आपको करंट इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, और आपको कैश का भी दिया हुआ है, कैश का लिखा हुआ है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस 2021 के दिए हुए हैं और 2022 के दिए हुए हैं। तो बच्चों 2021 में जो बैलेंस है 2021 में 20,000 और 5,000 ओपनिंग दे रखे हैं, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है और क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, इसी तरह से करंट में दिया हुआ है 30,000 और कैश का दे रखा है 13,000, बस ये चीज अवेलेबल है आपको।
तो देखिए क्या करना बताया भैया ने कि आपको एबीसी में ओपनिंग कैश जोड़ना है और ओपनिंग कैश 21 का होगा ना कि 22 का। तो 2021 में जो हमारा कैश है ओपनिंग होगा और वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जो ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 2021 की ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। और आपका जो आंसर बेटा आएगा, आप टोटल कर लेना अपने आप, इसका जो आपका आंसर आने वाला है सब करने के बाद में क्या आएगा बताइए, कितना आएगा आपका टोटल? 43,000 आना चाहिए। क्या आएगा इसका टोटल आपका? 43,000। आप देखेंगे सब करने के बाद आपका क्या आता है, 43,000। ये जादू होने वाला है कि जब हम एबीसी में ओपनिंग कैश ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, इनका टोटल जो आ रहा है वही आने वाला है ये वाला टोटल। ये कैसे निकाला जाएगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 है, क्लोजिंग में आपको करंट इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है 13,000, और क्लोजिंग में आपका कैश दिया हुआ है 13,000। देखिए हो गया जादू, हो गया मैजिक, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और ये इस बात का प्रूफ है कि आपने क्वेश्चन को ठीक सॉल्व किया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। मैं आपको लगातार मेहनत करता रहूंगा आपके साथ में, मैं लगातार आपको क्लासेस देता रहूंगा ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं चाहता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मेरा जो पिछला रिजल्ट था मैंने तो कभी पता करा ही नहीं बच्चों से। अभी मैंने किसी स्कूल में इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, तो उन्होंने कहा कि सर कभी आपने किसी बच्चे के 95+ स्कोर कराया है? तो मैंने तो ऐसा कुछ गौर ही नहीं किया बच्चों पर। तो मैंने कल ऐसी कॉल की बच्चों पे जानने के लिए रिजल्ट पिछले साल के बच्चों का। तो बेटा एक बच्चे के 95 अकाउंट्स में, बीएसटी में 95 और इको में उसके 97 मार्क्स हैं, और एक बच्चे का रिजल्ट पता लगाया तो वो बच्चा जान भी ना मैं लड़की का, उसका भी खैर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसके मार्क्स भी अकाउंट्स में 85+ हैं और इको में उसके मेरे हिसाब से 95 बता रही थी, 90+95 और इको में भी उसके 85+ स्कोर है। तो बेटा देखो इससे ये पता लगता है कि इसका मतलब मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी नहीं है। अगर बच्चे मेरे साथ मेहनत करते हैं तो मैं उनका रिजल्ट दे सकता हूँ। ऑल द बेस्ट डियर्स।